नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 19 जनवरी को रिलीज हुई दो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों 19 जनवरी को दो बड़ी फिल्में रिलीज तो नहीं हुई है, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से फिल्में काफी बड़ी है। एक फिल्म है 695 जो कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष को दिखाती है, किस प्रकार से 500 वर्षों तक इसके लिए संघर्ष हुआ, कितने बलिदान हुए, कितने त्याग किए गए, उसके बाद में जाकर के आज हम अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देख पा रहे हैं। श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो पूरा देश राममय है और ये कितने संघर्ष के बाद में ये दिन आया है, इसके बारे में ये फिल्म बहुत ही खूबसूरती से बात करती है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरुण गोविल, जिन्होंने भगवान श्री राम जी का किरदार निभाया था रामायण धारावाहिक में, उनके होने के बावजूद फिल्म को ज्यादा ओपनिंग नहीं मिली है, अच्छा कलेक्शन नहीं मिला है, और पूरा देश राममय होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई है। और इसका सीधा सा कारण है कि दोस्तों फिल्म का प्रमोशन नहीं किया गया, प्रमोशन इतना हल्का था कि लोगों को पता भी नहीं चला कि कब ये फिल्म रिलीज कर दी गई, पता भी नहीं चला तो कहां से लोग देखते। 800 स्क्रीन फिल्म को मिले, 3 करोड़ फिल्म का बजट है, इसके बावजूद दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 15 लाख रुपए की कलेक्शन किया है, केवल 15 लाख का कलेक्शन। दूसरे दिन फिल्म ने 14 लाख का कलेक्शन किया है, शनिवार को 14 लाख का कलेक्शन की रिपोर्ट है, तो दो दिनों का कलेक्शन करीब 29 लाख रुपए हुआ है। थोड़ा चेंज करेंगे तो 2-4 लाख आगे पीछे हो सकता है। और जहां तक आज की बात करें तो आज ये फिल्म करीब करीब दोस्तों 30 लाख के आसपास कलेक्शन कर सकती है, मतलब आज फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, तो 3 दिनों का कलेक्शन करीब 50 लाख से ऊपर हो जाएगा फिल्म का। फिल्म का बजट 3 करोड़ है, तो ये बहुत कम कलेक्शन है दोस्तों। कम से कम भी फिल्म को अपने वीकेंड में कम से कम भी मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेना चाहिए था 3 दिनों में, तो फिल्म के हिट होने की उम्मीद बनती। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों एक बेहतरीन मूवी को लोग देखने नहीं जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं किया गया है। प्रमोशन करते तो इस फिल्म की हालत ही नहीं होती। वो फिल्म वाकई अच्छी है, शानदार डायलॉग है, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से फिल्म को बनाया गया है, तो ठीक है, देखते हैं। अगर वर्ड ऑफ माउथ काम कर जाता है और आज अगर फिल्म कमाल कर जाए तो कुछ इस फिल्म का हो सकता है, अदरवाइज तो एक अच्छी फिल्म है, वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी। लोग आजकल मास एंटरटेनर एक्शन मूवी देखते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म को लोग कम देखते हैं, ये बात फिर से इस फिल्म से साबित हो जाती है दोस्तों। वहीं दूसरी एक और जबरदस्त फिल्म में अटलू, जिसको मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा बताया है। अटल जी की बेहतरीन बायोपिक है, पंकज त्रिपाठी का शानदार अभिनय, लाजवाब अभिनय, उसके बावजूद ये फिल्म भी अपने पहले दिन तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में दोस्तों 70% से ज्यादा का उछाल हुआ है, ये बड़ी बात है। 1500 से ज्यादा स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई है और दोस्तों करीब 20 करोड़ फिल्म का बजट है, तो ये फिल्म अपना बजट कवर कर सकती है नहीं कर सकती है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन इसने भी ओपनिंग तो बहुत ही कम ली है दोस्तों। पहले दिन मात्र 1.15 करोड़ का कलेक्शन आया है, दूसरे दिन कलेक्शन में काफी बड़ा उछाल आया है और करीब करीब 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कल आया है, 1.96 करोड़ का। तो दो दिनों का दोस्तों इसका जो कलेक्शन है वो करीब करीब 3.11 करोड़ हो जाता है, 3 करोड़ 11 लाख, और आज ये फिल्म कम से कम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, तो कम से कम 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म का फर्स्ट वीकेंड का हो जाएगा। लेकिन ये काफी नहीं है फिल्म को हिट होने के लिए, फर्स्ट वीकेंड में कम से कम 10 करोड़ का कलेक्शन फिल्म को करना चाहिए था, लेकिन फिल्म 6 करोड़ के आसपास फर्स्ट वीकेंड में जाने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से फिल्म के कलेक्शन में कल बहुत बड़ा जंप मिला है और आज भी फिल्म जंप लेने वाली है, तो डेफिनेटली जब तक फाइटर नहीं आती है तब तक फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को अच्छा मिला है, अटल जी की बेहतरीन बायोपिक है और देखनी चाहिए सबको ये, जिनको भी अटल जी पसंद है, जिनको भी अटल जी फेवरेट नेता रहे, जिनके भी और वैसे भी सबको पसंद रहे हैं वो, क्योंकि तो क्या भाषण देते थे, क्या उनकी लाजवाब शख्सियत थी, एक बहुत ही परिपूर्ण व्यक्तित्व, कवि कवि हृदय, तो ठीक है। अब देखते हैं कितना ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कर पाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी बोलना।